शराबी के रिमेक के लिए शाहरुख या सलमान में से किसे साइन किया जा सकता है? ये बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों है? शराबी फिल्म बनाने का आइडिया कहां से आया? अमिताभ बच्चन को डायलॉग छोटे क्यों करवाने पड़े थे? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो, अगर इस डायलॉग से भी आपको कुछ याद नहीं आया तो फिर आपको तुरंत बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ शराबी तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? चाहे जो आए, 1984 की अमिताभ बच्चन की फिल्म जरूर याद आएगी शराबी, जिसके डायलॉग्स के साथ साथ गाने भी सुपरहिट थे। कहते हैं जब तक कोई शराबी ना हो तब तक वो शराबी की एक्टिंग नहीं कर सकता। कहा जाता है कि रियल लाइफ में शराब को हाथ न लगाने वाले अमिताभ बच्चन ने बड़े पर्दे पर एक असली शराबी की एक्टिंग करके सबको गलत साबित कर दिया था। शराबी 18 मई 1984 को रिलीज हुई थी। कहां से आया था शराबी बनाने का आइडिया? अमिताभ ने एक बार अपने ब्लॉग में फिल्म के बारे में काफी कुछ बताया था, ये भी कि फिल्म का आइडिया कब और कैसे आया। उनके मुताबिक 1983 में हम लोग वर्ल्ड टूर कर रहे थे। फिल्म जगत के लिए वो अपने आप में एक अनोखा तरह का फिल्मी दौर था। हम न्यूयॉर्क सिटी से त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए फ्लाइट में जा रहे थे। तब प्रकाश मेहरा भी मेरे साथ ही थे। बातचीत के दौरान प्रकाश मेहरा ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम बाप बेटे के रिश्तों पर एक फिल्म बनाएं जिसमें बेटा शराबी हो। हम आधे रास्ते में पहुंच चुके थे, हवा में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर थे, अटलांटिक ओशियन के ऊपर, जब अमिताभ को डायलॉग छोटे करवाने पड़े। शूट के पहले ही दिन अमिताभ ने एक बात नोटिस की, उनके डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा लंबे थे। फिल्म में ज्यादातर उनका किरदार नशे की हालत में रहता था। इस पर उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर डायलॉग इतने ही लंबे रहेंगे तो फिल्म कम से कम 5 घंटे में बनेगी, क्योंकि एक आदमी जब नशे के हालत में होता है तो उसे बड़े डायलॉग बोलने में वक्त लगता है। इसलिए उन्होंने प्रकाश मेहरा को सलाह दी कि फिल्म में उनके डायलॉग छोटे रखे जाएं, और ऐसा किया भी गया। मजबूरी में जन्मा आइकॉनिक स्टाइल, अमिताभ ने पूरी फिल्म के दौरान अपना बायां हाथ अपनी जेब में ही रखा था। ये किया तो एक मजबूरी में गया था, लेकिन फैंस के लिए वो एक स्टाइल बन गया। दरअसल उस दौरान अमिताभ के हाथ में भयंकर चोट लगी थी। उनके शब्दों में कहा जाए तो शराबी की शूटिंग के समय एक दिवाली बॉम्ब मेरे हाथ पर गिर गया था। शूटिंग कैंसिल नहीं की जा सकती थी, डेट को आगे भी नहीं बढ़ाया जा सकता था। मैं भी किसी तरह की देरी करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने शूटिंग नहीं रोकी। मेरे हाथ का पूरी तरह से भरता बन गया था, वो बिल्कुल कच्चे पके तंदूर चिकन जैसा लग रहा था। मेरे हाथ का हर एक हिस्सा गल गया था, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। अमिताभ उस चोट को छुपाने के लिए अपना हाथ जेब में रखे रहे और वो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। और जैसे ही ये फिल्म सिनेमाघरों में आई, लोग अमिताभ बच्चन के दीवाने हो गए और ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। और इसी दौरान अमिताभ बच्चन सभी के दिलों पर राज करने लगे और ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट होने के साथ साथ बॉलीवुड की कल्ट फिल्म भी बन चुकी थी। और आज भी ये फिल्म बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में से एक है। तो अभी बात करें इस फिल्म के रिमेक के लिए, तो अभी अभी बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा चल रही है कि इस फिल्म का भी एक रिमेक बनना चाहिए। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में इस वक्त नई कहानियों का अकाल पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एडेप्टेशन, तो कहीं रिमेक, तो कहीं सीक्वल्स ही बनाए जा रहे हैं। तो बॉलीवुड के गलियारों में यही चर्चा चल रही है कि इस फिल्म के लिए शाहरुख या सलमान में से किसी एक को कास्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक आइकॉनिक चेहरा हैं और उनके इस किरदार को या तो सिर्फ शाहरुख खान निभा सकते हैं या फिर सलमान खान। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब किया जाता है और ये फिल्म किसके पाले में जाएगी, शाहरुख खान या सलमान खान। तो चलिए, जाते जाते हम आपको फिल्म के कुछ फेमस डायलॉग सुना ही देते हैं। कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। मैं एक कलाकार हूँ, मक्कार नहीं। हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा हुआ है, शायरी, शराब और आप। तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे,
गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे, जिसने पी नहीं विस्की किस्मत फूट गई उसकी, जिनका अपना दिल टूटा होता है वो दूसरों का दिल नहीं तोड़ा करते। आप भी इतना समझ लें मुझको, समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिलाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये वही फेमस डायलॉग है जो शराबी फिल्म में है, जो लोगों की जुबां पर आज भी कायम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन के रोल को निभाने के लिए किस एक्टर को लिया जाना चाहिए, शाहरुख खान या सलमान खान, या इन दोनों के अलावा किसी और को? आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़।